आपको बताते चलें कि कल मंगलवार शाम को लाकामंडल में दो दिवसीय सांस्कृतिक सम्मान समारोह कार्यक्रम का समापन हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि कालसी ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह चौहान ने शिरकत की। ब्लॉक प्रमुख का क्षेत्रवासियों ने जोरदार स्वागत कर उन्हें मंदिर स्मृति चिन्ह भेंट किया और एक ज्ञापन भी सौंपा। ब्लॉक प्रमुख कालसी ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्षेत्र और प्रदेशवासियों के जनमानस से आह्वान किया कि जो लोग अपने नौकरी पेशे से अपने गाँव से दूर रहते हैं, वो लोग अपने क्षेत्र में परंपरागत और पौराणिक त्योहारों में जरूर शामिल रहें। हमें पौराणिक संस्कृति रीति रिवाज विरासत में मिली, इसको बचाने के लिए हम सभी को प्रयास करना चाहिए। आज के इस आधुनिक युग में हम लोग अपनी वेशभूषा और संस्कृति से दूर भाग रहे हैं, जिसके कारण हमारी संस्कृति विलुप्त होने के कगार पर है। साथ ही क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए, जिससे गांव के उभरते कलाकारों को अवसर प्राप्त होगा। कार्यक्रम में प्रख्यात भरतनाट्यम कलाकार सहज संगल ने शिव तांडव आदि ताल पर अपनी प्रस्तुति दी। सहज संगल पेशे से कुशल नर्तक, शिक्षक तथा कोरियोग्राफर है। इन्होंने देश के अलग अलग कई शहरों और संस्थानों में अपना योगदान दिया। लोक गायक सनी दयाल, शांति वर्मा, अतर शाह, अजय तोमर, नरेश बादशाह, अंकित सेमवाल, जनजातीय क्षेत्र विकास समिति कथियान की पूरी टीम ने अपनी प्रस्तुतियां दी और खूब समा। इस दौरान निर्माता, निर्देशक एवं कार्यक्रम संयोजक बाबूराम शर्मा, लाखामंडल ग्राम प्रधान सोनिया, सामाजिक कार्यकर्ता अनिल वर्मा, स्वागत फिल्म निदेशक बाबूराम, भाजपा नेता सुरवीर डोभाल, डब्ल्यू आर्य, कौंसी मंडल उपाध्यक्ष बचना शर्मा, मनोज खन्ना, मनोज गौड़, कृपाराम भट्ट, केशव शर्मा, दीवान सिंह, माधुराम, राधेश्याम, शांति आदि मौजूद रहे। मैं अपने को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज पांडवों की धरती में आज मैं उपस्थित हूँ। नमन करता हूँ उस धरती को और डब्लू एंड पार्टी जो कि आयोजन समिति है, सभी समिति को मैं बधाई देता हूँ और जनता को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारी पौराणिक परंपरा है, रीति रिवाज है, इस लोक कला मंच की माध्यम से वो सब चीज़ें जिंदी रहनी चाहिए। और जितना भी हमारा जौनसार बावर का पढ़ा लिखा समाज है, नौकरी पेशे वाले लोग हैं, उनसे मैं विनम्र आग्रह करूँगा कि हमारी संस्कृति जो हमारे बुजुर्गों ने जो हमें विरासत में मिली है, उसको हम एक ही रूप में बचा सकते हैं कि विश्व दिवाली, माघ मेला, ये जो हमारे त्यौहार है जो हमारे बुजुर्गों ने पौराणिक रूप से हमें विरासत में दिए हैं, इसको बचाए रखने के लिए हम सभी ऐसे त्यौहारों पर पूरे साल में दो चार दिन ऐसा निकालें कि हम घर आएँ और जितने भी हमारे पौराणिक त्यौहार हैं उसमें हम शरीक हों। उनका मांग पत्र मुझे दिया है, बिकॉज मेरा ये ब्लॉक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं घोषणा कम करता हूँ, लेकिन उसी पे भरोसा रखता हूँ कि भगवान ने कहा कर्म करो फल की इच्छा मत करो, कर्म करूँगा। अध्यक्ष जी मधु चौहान जी को भी आज आना था, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो नहीं आ पाई, और उनसे भी ये मांग पूरा करने के लिए मैं आग्रह करूँगा। मैं भी, मधु चौहान जी भी, ये जो ग्रामीणों द्वारा समिति द्वारा जो मैं मांग पत्र दिया गया है, इसको पूरा करने के लिए मैं पूरा प्रयास करूँगा।